विकासखंड पाटन के ग्राम महुदा में इथेनॉल प्लांट लगाए जाने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। गांव में ही प्लांट की शुरुआत के लिए बोर खनन के लिए पहुंचे वाहन का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। पाटन के ग्राम महुदा के ग्रामीणों ने बताया कि जोसना ग्रीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को इथेनॉल संयंत्र लगाने ग्राम पंचायत द्वारा 15 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन में संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई है उस स्थान पर लगभग 30 सालों से पेड़ लगाकर नर्सरी के रूप में संरक्षित किया जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में इथेनॉल संयंत्र लगाने के लिए ग्राम सभा में भी जानकारी नहीं दिया गया है। प्लांट लगाए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भूमि पूजन का बोर्ड देखने के बाद हुआ, जिसके बाद ग्रामीण प्लांट लगाने का विरोध करने लगे और 26 सितंबर को जिला कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी पाटन के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि सरपंच ने चोरी छिपे यह फैसला लिया है, गांव की जमीन पर उद्योग नहीं लगने दिया जाएगा। ग्रामीणों के भारी विरोध को देखते हुए पुलिस बल सुबह से ही तैनात किया गया था। संयंत्र का विरोध कर रहे पूर्व सरपंच कामता पटेल को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पाटन से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।